2022 में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ जामा मतलब जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, जिसमें एक रिसर्च टीम ने यह दिखाया कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां किस तरह से लोगों में अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स देती हैं और कैसे कुछ लोगों के जीन्स की वजह से इन दवाइयों का असर लोगों पर अलग अलग तरह से होता है। वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं और फार्माकोजेनोमिक्स जिसके अंडर इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे शोध ऑलरेडी हो चुके हैं। और ना ही केवल साइकेट्री में जबकि और भी दूसरे कई सारे फील्ड्स में स्पेशलाइजेशंस में स्टडीज हुई हैं जिसमें कि यह देखने में आया है कि कैसे कुछ दवाइयों का असर जो है वो लोगों पर अलग अलग तरह से पड़ता है जो कि उनके जीन्स पर डिपेंड करता है। इसी तरह से बहुत से वैज्ञानिक इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं कि जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं वो लोगों पर अलग अलग तरह से काम क्यों करती हैं और क्यों कुछ लोगों में ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं और कुछ लोगों में कम साइड इफेक्ट्स आते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों पर ये दवाइयां जल्दी असर करती हैं तो कुछ लोगों पर दवाइयां देर से असर करती हैं, और साथ ही कुछ लोगों पर ये दवाइयां असर करती ही नहीं है जबकि कुछ लोगों पर ये दवाइयां बहुत अच्छे से असर ले आती हैं। तो ये जो इतना डिफरेंट सा जो पिक्चर हमें देखने में आता है इसके पीछे काफी सारे कारण मौजूद होते हैं और वैज्ञानिकों ने इस तरह के कारण खोजे हैं। उन्हीं में से एक कारण होता है हमारे जीन्स। चार कैटेगरीज में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के रिस्पॉन्डर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब लोग चार तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। या तो वो स्लो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे ये दवाइयां असर डालेंगी, या वो नॉर्मल रिस्पॉन्डर्स होते हैं, या उन्हें कहेंगे कि वो रैपिड रिस्पॉन्डर्स हैं, या वो अल्ट्रा रैपिड रिस्पॉन्डर्स हैं, मतलब बहुत तेजी से दवा जो है वो असर ले आएगी। ये चार कैटेगरी के जो लोग होते हैं इनमें ये अलग रिस्पॉन्स इसलिए आता है क्योंकि उनके अंदर कुछ जीन्स के वेरिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि उनके ऊपर दवाओं के असर को कम या ज्यादा कर देते हैं। और इसी पर जो बहुत सारे शोध हुए हैं उन्हीं में से एक था जो कि डेविड ऑस्लिन और उनकी टीम ने किया था, जो कि अमेरिका के वेटरन अफेयर्स डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल में काम करते हैं, और उन्होंने बड़े सारे लोगों पर करीब 2000 लोगों पर ये शोध किया जो कि 18 से 80 साल की उम्र के थे। और इन सभी लोगों पर शोध करने पर देखा गया कि जब 12 हफ्ते तक उन्हें उनके जीन के हिसाब से, जैसे कि उनके जीन हैं उसके हिसाब से जब उन्हें दवाइयां दी जाती हैं तो उन पर दवाओं का असर ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा फास्ट असर आता है, ज्यादा उनके सिम्टम्स में कमी आती है और इसी के साथ उनके अंदर साइड इफेक्ट्स कम मिलते हैं। तो थोड़ा सा हम उनके शोध के बारे में बात करते हैं जिससे कि मैं कुछ आपको इनसाइट्स दे पाऊंगा कि कैसे कुछ लोगों में दवाइयां अलग अलग तरह से असर लाती हैं। तो ये जो शोध था ये 2000 लोगों पर किया गया जिन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक वो ग्रुप था जिनकी फार्माकोजेनोमिक टेस्टिंग की गई जिसे PGX टेस्टिंग कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने एक किट का इस्तेमाल किया था जो कि कमर्शियली अवेलेबल है, जिसमें कि 8 जीन्स का एनालिसिस दिया जाता है जिसमें से 6 जीन्स जो होते हैं वो हमारे लिवर में बनते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं ये CYP450 सिस्टम के जीन्स होते हैं, मतलब कि हमारे लिवर में पाए जाने वाले कुछ सेल्स जिनसे कि कुछ एंजाइम निकलते हैं और उन एंजाइम्स को CYP450 सिस्टम के एंजाइम्स कहे जाते हैं। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि दवाओं को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं, मतलब जब दवा हमारे पेट में जाती है तो लिवर के ये सेल से निकलने वाले एंजाइम्स जिनको कि कोई जीन्स बनाते हैं, ये एंजाइम्स उस दवा को मेटाबोलाइज करते हैं जिसके बाद इन दवाओं को शरीर के जरूरी हिस्से में भेज दिया जाता है। और जब हम साइकेट्री की बात कर रहे हैं तो दिमाग के अंदर इन दवाओं को भेज दिया जाता है, इनके केमिकल्स को। तो ये जो लिवर के जो सेल्स हैं और उनमें पाए जाने वाले ये जो एंजाइम्स हैं जो कि साइटोक्रोम P450 सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं, अगर ये एंजाइम्स उस ड्रग मतलब उस दवा के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन दिखाएंगे तो दवा जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी और ऐसे में ज्यादा अच्छे तरह से, ज्यादा फास्ट तरह से वो दवा का जो है असर देखने में आएगा। पर वहीं कोई ऐसे जीन होंगे जो कि कोई ऐसा एंजाइम पैदा कर रहे होंगे जिसकी वजह से जब वो दवा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब ये जीन एंजाइम दवा के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो स्लो असर लाएगा जिसकी वजह से बहुत देर तक दवा जो है वो पेट के अंदर लिवर के अंदर बनी रहेगी जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स ज्यादा आ जाएंगे। तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स का एक बड़ा कारण होता है उनका स्लो रिस्पॉन्स देना।
जब लिवर के अंदर ये दवाइयां सही तरह से मेटाबोलाइज नहीं होती तो साइड इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, और यही वजह है कि इस तरह की जो स्टडीज हैं वो की जाती हैं ताकि लोगों के जीन्स के हिसाब से उनको दवाइयां दी जा सकें, जिससे कि ना ही सिर्फ जल्दी असर आ सके डिप्रेशन को कम करने में, साथ ही साइड इफेक्ट्स भी कम आए, और यही तो हर पेशेंट चाहता है। तो इन वैज्ञानिकों ने 4, 8, 12, 18 और 24 हफ्ते बाद लोगों को दोबारा से एनालाइज किया। दवा देने के 4 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद, 12, 18 और 24 हफ्ते बाद दोबारा से एनालाइज किया और देखा कि इनके अंदर डिप्रेशन के लेवल कितने कम हो रहे हैं, कितना अच्छा ये लोग जो हैं ये इन दवाओं पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पर यहां खास बात क्या है कि दो अलग अलग ग्रुप्स को एनालाइज किया जा रहा है। एक वो ग्रुप है जिनके जीन्स के हिसाब से उनको दवा दी जा रही है, मतलब कि ये देखकर दिया जा रहा है उनको दवाई कि कौन सा पर्सन का क्या जीन है और उसको कौन सी दवा दी जानी चाहिए ताकि अच्छा असर आए। और दूसरा एक ग्रुप है जो कि नॉर्मली जैसे कि ट्रीट किए जाते हैं वैसे ट्रीट किया जा रहा है, मतलब जब डॉक्टर के पास उनके जीन्स की जानकारी नहीं होगी तो डॉक्टर उनके सिम्टम्स के बेसिस पे और जो भी दूसरे उनके तरीके होते हैं दवा देने के उसके बेसिस पे उनको दवा देंगे। तो दूसरा ग्रुप जो था उनको उनके जीन्स के हिसाब से दवा नहीं मिली। तो एक्सपेक्टेड होगा कि जिन लोगों को जीन्स के हिसाब से दवा मिली है उनके ऊपर एंटी डिप्रेसेंट दवा का असर जल्दी आना चाहिए, और ऐसा ही देखा गया। 59% पेशेंट इनमें ऐसे थे जिन पर बहुत अच्छा असर आया, साइड इफेक्ट्स कम थे और साथ ही साथ दवा का असर फास्ट आया। जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें की टेस्टिंग नहीं की गई थी, जीन्स नहीं पता थे, उनके अंदर केवल 26% पेशेंट ही ऐसे थे जिन पर अच्छा असर दवाओं का देखने पे आया। और ये तो बहुत आम सा असर है क्योंकि चार अलग अलग कैटेगरीज में जब लोग होंगे, कोई स्लो रिस्पॉन्डर्स हैं, कोई नॉर्मल एवरेज रिस्पॉन्डर्स हैं, तो कोई फास्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, तो कुछ लोगों पर कम असर आएगा तो कुछ लोगों पर ज्यादा असर आएगा। पर खास बात यह है कि 50% से भी ज्यादा लोग जिन पर जेनेटिक टेस्टिंग की गई थी उनमें ड्रग का अच्छा इफेक्ट आया, मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवा का। और यही तो वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि क्या जीन्स की नॉलेज हो जाने के बाद एक बार जब पता चल जाए कि पेशेंट के जीन्स किस तरह के हैं और उस हिसाब से अगर उसको दवा दी जाए तो क्या यह संभव है कि उन पर ज्यादा अच्छा असर आ सकता है दवा का। और यही उन्होंने देखना चाहा और यही उन्होंने रिजल्ट में भी पाया। तो डेविड ऑस्लिन कहते हैं कि वो सरप्राइज थे इस रिजल्ट को देखकर, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट जो है उन्हें देखने में मिलेगा, इतने सारे लोगों पर असर आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके जीन की नॉलेज पहले से ही डॉक्टरों को थी और उसी हिसाब से उनकी दवा का चुनाव किया गया। पर यहां पर दो प्रॉब्लम्स उन्होंने नोटिस की। क्या थी वो प्रॉब्लम्स? 12 हफ्ते बाद तक तो सबसे पीक इफेक्ट आया डिप्रेशन के ऊपर, मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवा का जो असर आया 12 हफ्ते बाद, मतलब 3 महीने के बाद सबसे अच्छा देखने में आया। और यही मोटे तौर पर एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद लोगों पर डिप्रेशन की दवा का असर आता है। करीब 1-1.5 महीने तक 2 महीने तक लोगों में बहुत ज्यादा असर दवाओं का नहीं आता, पर 2-3 महीना जैसे जैसे पार होता जाता है लोगों में डिप्रेशन की दवा का असर अच्छा आने लगता है, मतलब उनका डिप्रेशन कम होने लगता है। और यही इन वैज्ञानिकों ने देखा कि 12 हफ्ते के बाद पीक लेवल पर, मतलब सबसे कम जो डिप्रेशन के लेवल थे वो उन फार्माकोजेनोमिक टेस्टिंग वाले ग्रुप में पाए गए। और ये जो रिजल्ट थे ये उन ग्रुप्स के मुकाबले जिनमें की टेस्टिंग नहीं की गई थी उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, मतलब बहुत स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया, जिसका मतलब है कि डिप्रेशन की कमी तो दोनों ग्रुप्स में देखने में आई पर जो टेस्टिंग वाला ग्रुप था जिसमें जीन्स के बारे में जानकारी ली जा चुकी थी उनमें जो डिप्रेशन की इंप्रूवमेंट आई वो बहुत ज्यादा आई, यानी कि फास्ट इंप्रूवमेंट, ज्यादा इंप्रूवमेंट, सिम्टम्स में जो रिडक्शन आया वो बहुत अच्छा आया। जबकि दूसरा जो ग्रुप था उसमें भी 12 हफ्ते बाद ट्रीटमेंट का असर आया पर टेस्टिंग वाले ग्रुप के मुकाबले कम असर आया, मतलब कम सिम्टम्स उनके कम हुए थे। अब ये तो रहा बात 12 हफ्ते का, अब 18 और 24 हफ्ते के बाद दोबारा उनकी टेस्टिंग की गई, दोबारा उन पर डिप्रेशन और एंजाइटी के क्वेश्चनर्स लगाए गए और उनके डिप्रेशन के लेवल्स देखे, सुसाइडल थॉट सब देखा। तो डॉक्टरों ने पाया कि 24 हफ्ते के बाद, मतलब 6 महीने के बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने में आया इन दोनों ग्रुप्स में, मतलब जिनके ऊपर जीन की नॉलेज के बाद दवा दी गई थी, जिनका शुरू के 12 हफ्ते में 3 महीने में बहुत अच्छा असर आया था, 6 महीने तक पहुंचते पहुंचते इनके जो कंडीशन थी पेशेंट्स की वो करीब करीब वैसी ही थी जैसे कि दूसरे ग्रुप की थी, मतलब जिनमें जीन्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, टेस्टिंग नहीं हुई थी।
तो 6 महीने के बाद सारी दवाइयां करीब करीब बराबर काम करती हैं। सिर्फ शुरू के 2-3 महीने के अंदर पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, इसी चीज को बेटर करने के लिए जीन की इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। तो थोड़ा यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट भी है, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट भी है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है, तो थोड़ा सा यहां पर हम कहेंगे कि लेस ऑप्टिमिज्म है। पर देखा जाए तो एक लेवल से ज्यादा डिप्रेशन के स्तर में कमी आ भी नहीं सकती। भाई जब डिप्रेशन के 10 में से 6 लक्षण कम हो गए, 4 लक्षण रह गए, तो कर करके ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 तो हर पेशेंट में करीब करीब बने ही रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि लंबे टाइम तक जब डिप्रेशन की दवाओं का इलाज लिया जाता है तो किसी भी तरह की दवाइयां पेशेंट को मिली होंगी, मतलब एंटी डिप्रेशन दवाइयों की बात हो रही है, चाहे उसमें डॉक्टर ने 1-2 दवाइयां बदली भी हो, 4-6 महीने के बाद तक तो पेशेंट्स पर ज्यादातर मामलों में दवा का असर अच्छा आ ही जाता है, जिसके बाद हम ये कहेंगे कि पेशेंट में एक लेवल तक डिप्रेशन की कमी आ चुकी होती है। और अगर हम उसके जीन्स की जानकारी लेकर उसको दवा देंगे तो भी पेशेंट के डिप्रेशन में कमी आ जाएगी और करीब करीब 6 महीने के बाद दोनों टाइप के पेशेंट्स एक ही लेवल पर पाए जाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शुरू के जो 3 महीने हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं और बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि इनिशियली उनको दवा का असर नहीं आ रहा होता। बहुत सारे पेशेंट जो कि डिप्रेशन के होते हैं, जो कि हताश हो जाते हैं, इनफैक्ट डिप्रेशन का तो मतलब ही है जहां पर पेशेंट बहुत डीमोटिवेटेड, बहुत ही डिप्रेस्ड है, जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है, चीजें करने का, जीने का मन नहीं कर रहा, ऐसे में दवा छोड़ने का भी अगर पेशेंट का मन कर जाए, दवा और ट्रीटमेंट पर भी उसका भरोसा छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आम तौर पर देखा जाता है। तो शुरू के जो 3 महीने हैं अगर उसमें पेशेंट का हौसला बढ़ाने के लिए, पेशेंट को अगर बेटर ट्रीटमेंट इफेक्ट देने के लिए अगर उसकी जीन की नॉलेज रख दी जाए, उसके बारे में पता चल जाए, तो पेशेंट का जो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस है वो बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब पेशेंट शायद लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेता रहेगा, अगर 6 महीना भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है तो चांस उसका ज्यादा होगा कि वो कंटिन्यू करेगा अगर शुरू के 2-3 महीने में ही पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जेनेटिक टेस्टिंग कर लेना, जिसे फार्माकोजेनोमिक टेस्टिंग कहते हैं, जिससे कि पेशेंट के एंजाइम्स जीन्स पता किए जाते हैं, अगर इससे पेशेंट के जीन्स की जानकारी मिल जाती है तो ये अच्छा ही है क्योंकि इससे पेशेंट का जो इलाज है वो सक्सेसफुली किया जा पाएगा। और 6 महीने के बाद चाहे सारे पेशेंट्स एक ही लेवल पर क्यों ना आ जाए, पर यहां पर इस रिसर्च में हमें ये जानकारी नहीं मिलती कि कितने लोगों ने वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। अगर उन्होंने दोनों ग्रुप्स में 1000-1000 लोग लिए थे तो हम नहीं जानते कि जो जीनोमिक टेस्टिंग वाला ग्रुप है उसके अंदर 1000 के 1000 लोगों ने क्या 6 महीने तक ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया, और जिन लोगों को टेस्टिंग नहीं दी गई थी क्या उनमें से 1000 लोगों ने, क्या ज्यादातर ने क्या ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया, हमें ये नहीं पता। पर चांस इसके अच्छे हैं कि शुरुआत के 2-3 महीने में अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो ज्यादातर पेशेंट लंबा ट्रीटमेंट लेने को भी तैयार रहेंगे। दूसरी सबसे अच्छी चीज कि साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। ज्यादा देर तक जब ड्रग शरीर के अंदर रहता है, धीरे 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 मेटाबोलाइज होता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। और अगर जीन्स के हिसाब से दवा का चुनाव किया जाएगा, साइड इफेक्ट्स कम होंगे, तो नेचुरली पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है दवा लेने से वो ज्यादा अच्छी होगी, पेशेंट डरेगा नहीं दवा लेने से, ऐसे में भी पेशेंट जो है वो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट ले पाएगा। तो ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पेशेंट अगर जीनोमिक टेस्टिंग के बाद दवा लेता है या डॉक्टर्स उसको जीनोमिक टेस्टिंग करवाते हैं और उसके बाद दवा देते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो दवा लेते रहेंगे, ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से 6 महीने के बाद रिकवर कर लेंगे। भले ही 6 महीने के बाद सबका डिप्रेशन का लेवल एक जैसा है या ये कहें कि सारे पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इन डॉक्टरों ने कहा वो ये कि कुछ सब ग्रुप है ऐसे पेशेंट्स का जो कि सबसे बुरा असर दिखाते हैं दवाओं की वजह से। मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स हमेशा होते हैं जो किसी भी दवा पर ज्यादा बुरा असर दिखाएंगे। जैसे कि अगर हमने फ्लोक्सेटिन दवा दी, करीब 100 लोगों को दवा दी, और इन 100 लोगों के अलग अलग जीन्स हैं जिसके ऊपर दवा का असर अलग अलग तरह से आएगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे इनमें से जिन पर इस दवा की वजह से ज्यादा बुरे साइड इफेक्ट्स आएंगे, चाहे वो 20 लोगों, 30 लोगों, कितने भी लोग हो सकते हैं, मान लेते हैं कि 1/3 लोग हैं ऐसे। तो वो जो 1/3 लोग हैं उनकी जीनोमिक टेस्टिंग कराना तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन लोगों की कंडीशन और बुरी हो जाएगी अगर वो दवा लेंगे, क्योंकि दवा की तो लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कितनी दवाइयां डॉक्टर बदलता रहेगा, बार बार दवाइयां बदलता रहेगा,
अगर उस पर वो दवा असर ला ही नहीं रही तो शायद डॉक्टर उसको कोई और अल्टरनेटिव दे पाए। इस कंडीशन में पहुंचने के लिए डॉक्टर को उसके जीन्स की इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी होगी। क्या पेशेंट को आरटीएमएस दिया जाना जरूरी है, क्या पेशेंट को थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाना जरूरी है, किस टाइप का ट्रीटमेंट पेशेंट को ऐसी कंडीशन में दिया जाए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डॉक्टर के लिए जरूरी होगा उसके जीन का एनालिसिस कर ले, टेस्टिंग करवा ले। तो वो जो 10-20-30% जो लोग हैं जो कि किसी भी दवा पर बुरा असर दिखाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर दवा पर ज्यादा बुरा असर दिखाते हैं, उनकी टेस्टिंग कराने से ज्यादा हेल्प मिलेगी और सही दवा उनको दी जा सकेगी शुरुआती स्टेजेस में ही। तो इस तरह के जो सब ग्रुप है उसका एनालिसिस हो जाता है जब एक बार जीनोमिक टेस्टिंग की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन डॉक्टरों ने खोजा वो ये कि जिन लोगों में पीटीएसडी ज्यादा था, क्योंकि ये वेटरन अफेयर डिपार्टमेंट के लोग थे, मतलब ज्यादातर लोग जो थे वो मिलिट्री आर्मी वगैरह के प्रोफेशन से थे, जिनको कि बॉर्डर पर जाकर और दूसरे देशों में जाकर लड़ाइयां लड़नी होती हैं, अमेरिका के वैसे भी थे ये, तो पता नहीं अफगानिस्तान सीरिया लिबिया कहां कहां जाके लड़ रहे होंगे, वहां से इंजर होके आए होंगे, डिप्रेशन हुआ होगा, तो इनको पीटीएसडी भी होगा। तो पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिन लोगों में पीटीएसडी था या जिन लोगों में पीटीएसडी के लेवल ज्यादा थे, उन लोगों में दवाओं का रिस्पॉन्स जो था वो कम आया था। मतलब जीन कुछ भी हो, जीन कैसा भी हो, दवा असर नहीं लाती अगर उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस या कुछ दूसरी बीमारियां हैं। मतलब कोमॉर्बिडिटी के केस में भी दवाओं का असर कम हो जाता है। इसी के साथ इन डॉक्टरों का यह भी सजेस्ट करना है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से भी इन दवाओं का असर कम हो जाता है, क्योंकि वो जो जीन का जो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से वो दवा को मेटाबोलाइज करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म को वो कम कर देती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से जो केमिकल चेंज लिवर बॉडी के अंदर आते हैं, ब्लड में आते हैं, उस वजह से दवा असर नहीं दिखाती, क्योंकि एंजाइम जो है वो उस दवा को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। तो ऐसे में भी कई सारे दूसरे फैक्टर्स, चाहे वो पीटीएसडी हो, चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो, चाहे स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक हो, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी दवाओं के असर को कम करते हैं और जीन की इफेक्टिवनेस को कम करते हैं, जिससे दवा का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। तो ये जो बड़े सारी जो यूनिक सी जो इंफॉर्मेशन हैं, जो रिसर्चेज में पता चल रही हैं, बड़े सारे जो नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं रिसर्चेज में, जिससे कि हम इस बात की क्लैरिटी ले सकते हैं कि क्यों कुछ लोगों पर दवाइयां या तो असर नहीं करती या स्लो असर करती हैं या साइड इफेक्ट्स उनके अलग अलग आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी कुछ क्लैरिटी मिलने से बहुत से लोगों को अपने ट्रीटमेंट में गाइडेंस मिलेगी, साथ ही डॉक्टर्स भी बेटर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं यही कहूंगा कि दवाओं को दोष देने की बजाय, डॉक्टरों को दोष देने की बजाय, साइकेट्री एलोपैथी को दोष देने की बजाय, हमें जरूरी है समझना कि पूरी मेडिकल साइंस की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से सभी लोग ठीक नहीं हो पाते। क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन होता है, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बायपोलर डिप्रेशन है, जिस भी तरीके का डिप्रेशन लोग जिससे पीड़ित होते हैं, ये सभी तरीके का डिप्रेशन बॉडी ब्रेन बड़े सारे लेवल तक एक पर्सन को अफेक्ट करता है और बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने बताया कि दवाओं का असर भी लोगों के जीन्स के बेसिस पे आता है। तो हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारी जो जेनेटिक्स होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि लोग कितना बुरा डिप्रेशन फील करेंगे, कितनी जल्दी उससे रिकवर कर जाएंगे, किस तरह की दवाई पर रिस्पॉन्स देंगे, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए जो भी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आपको आपके डॉक्टर्स ने बताए हैं, जो भी अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो दवाएं हो, चाहे वो साइकोथेरेपी हो, चाहे वो आरटीएमएस हो या ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी हो, जो भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि ज्यादा से ज्यादा असर ला सकता है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। पर साथ ही ट्रीटमेंट्स की लिमिटेशंस को भी समझना चाहिए और बड़े बड़े क्लेम्स, बड़े बड़े दावों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी पेशेंट पर अगर दवा बहुत अच्छा असर कर गई तो जरूरी नहीं कि बाकी सभी पेशेंट्स पर असर डाले, या कोई भी डॉक्टर आपको बड़े बड़े दावे कर दे कि मैं डाइट से तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं योगा से ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हर पेशेंट पर हर इलाज का एक लिमिटेड इफेक्ट होता है, तो किसी पर ज्यादा हो रहा है तो किसी पर कम हो रहा है, इसलिए हताश होने की बजाय, डिप्रेस हो जाने की बजाय, बेटर है कि मेडिकल साइंस, दवाएं और इनके जो इलाज होते हैं, बीमारियां होती हैं, इनके लिमिटेशंस को समझें और इनकी असली सच्चाई को जानें। इसी पर्पस पर मैं ये वीडियोस बनाता हूं। तो ये वीडियोस का जो मेन पर्पस है वो पूरा हो पाए, आपको सही जानकारी मिले, डायरेक्शन मिले, क्लैरिटी मिले, यही मेरा मकसद है। ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।